स्कॉर्पियंस, वेलकम टू ग्रो माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है दिसंबर की थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। Eight of Cups, Ace of Wands, Five of Wands, The Lovers, and Ace of Swords. Okay, तो Ace of Swords है यहाँ पर। आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ हो सकता है। हो सकता है कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। पर स्कॉर्पियंस द लवर्स के कार्ड के होने का मतलब है कि आपका ये जो कनेक्शन है ये बहुत डीप है और इसे किसी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इस फीलिंग को खत्म नहीं किया जा सकता। और बड़े ही कितना स्ट्रांग एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों ना हो, आई डोंट थिंक ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, हो सकता है आपका ऐसा लग रहा हो कि ये सब होने के बाद ये पर्सन मूव ऑन करना चाहेगा या सिचुएशन को डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से अवॉइड करना चाहेगा। पर द लवर्स का कार्ड आपको कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है। हालांकि एक डिसअपॉइंटिंग चीज यहाँ पे ये जरूर है कि एट ऑफ कप्स है, तो आपने बहुत कुछ किया हो सकता है ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में। आपने इस पर्सन को वो सब कुछ दिया है जो आप दे सकते थे और फिर भी शायद ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं था और ये हमेशा उन दो कप्स के बारे में कंप्लेन कर रहे थे जो आपने नहीं दिए, बजाय उसके जो आपने दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर दो कप्स मिसिंग है और एट कप्स है यहाँ पर। पर फिर भी आई थिंक एस ऑफ वांड्स के होने का मतलब है कि फाइनली आपके बीच के सारे इश्यूज सॉल्व हो चुके थे एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस एस ऑफ वांड्स से पहले, एस ऑफ वांड्स का होने का मतलब यह है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया हो सकता है और आपको ऐसा लगा होगा कि अब ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं, फाइनली ये रिलेशनशिप जो है आपके कंट्रोल में है। और फाइव ऑफ वांड्स के साथ इसमें आपने बहुत कुछ लगाया भी हो सकता है, इसमें आपने बहुत स्ट्रगल भी किया हो सकता है। और अब यहां पर एस ऑफ सॉर्ड्स आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इस सारे स्ट्रगल का नतीजा ये सेपरेशन ही मिला और इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है, ना कभी था। और शायद इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत सारे लोगों को अपसेट किया है। हो सकता है कि ये आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हो जो आपको एडवाइस कर रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, पर फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे थे या फिर आप इस पर्सन के सपोर्ट में खड़े थे चाहे कोई कितनी भी कमियां निकाले इनमें। तो ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको ये लग रहा है कि शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये पर्सन उस लायक नहीं निकला या इस पर्सन ने आपको अपने स्ट्रगल में अकेला छोड़ दिया। तो एक चीज समझने वाली है कि अगर ये पर्सन आपसे दूर भी है
अभी जो लवर्स की कार्ड का मतलब है कि यहाँ फीलिंग्स है, डेफिनेटली फीलिंग्स है, और वो जेन्युइन फीलिंग्स है। कोई पर्सन अगर आपसे दूर भी है तो ये मत समझिए कि ये पर्सन खुश है और आपको आपके हालातों पे छोड़ के अपनी लाइफ आराम से जी रहा है। ये पॉसिबल नहीं है इस पर्सन के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ आपको मानसिक तौर पर अफेक्ट कर रही है वो इस पर्सन को भी अफेक्ट कर रही है, अब भले ही ये आप देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो। बहुत सारे बॉन्ड्स और कप्स हैं, आप फायर या वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि साइन कोई भी हो सकता है, इतना स्पेसिफिक नहीं हुआ जा सकता जनरल रीडिंग में, और ये सबसे मैच भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है। डोंट वरी स्कॉर्पियंस, आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको हर्ट कर कर अपनी लाइफ आराम से जी जाएगा, या फिर खुश है, या फिर आपको मिस नहीं करता, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये पर्सन खुश ना रहे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन रियल नहीं था इसलिए पर्सन आपको हर्ट करके चला गया, इस पर्सन को आपकी कदर नहीं थी इसलिए पर्सन आपको हर्ट करके चला गया, मुझे लगता है कि इस पर्सन को अंदाजा ही नहीं था कि ये चीज इन्हें इस हद तक अफेक्ट करेगी। इन्हें अंदाजा नहीं था कि इस सेपरेशन के बाद इन्हें टेन ऑफ स्वॉर्ड्स मिलेगा, इस सेपरेशन के बाद इन्हें भी इस टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ आप ही नहीं इससे गुजरेंगे, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो सबकॉन्शियस फीलिंग्स थी, ये सबकॉन्शियस फीलिंग्स से मेरा मतलब है जो दबी हुई फीलिंग्स जिसका इन्हें अंदाजा नहीं था, वो अब सरफेस पे आ रही हैं। और इस पर्सन को डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को गवाया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो कि कॉन्फिडेंट है, जो कि अपना डिसीजन लेना जानता है, जो कि गुड लुकिंग है, और जो कि जानता है कि किसे कैसे ट्रीट करना है। तो इस पर्सन को पता है जैसे आपने उन्हें ट्रीट किया है दूसरा कोई और नहीं करेगा, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और सेवन ऑफ कप्स के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि कोई इल्यूजन हो। आप जो देख रहे हैं वो एक इल्यूजन है, हो सकता है आप इस पर्सन को देख रहे हो और आपको लग रहा हो कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ सब कुछ है, और जो आपको दिख रहा है आप वही ट्रस्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हमें दिखता है वो हमें दिखाया जाता है, वो सच है वो जरूरी नहीं है। यहाँ जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस के कार्ड के साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, ये पर्सन जो डिजर्व करता है वो उन्हें झेलना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, कोई भी इस चीज से बच नहीं सकता। और एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपसे कहा जा रहा है फिलहाल आप इस रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए और फोकस कीजिए अपने वर्क पर। स्कॉर्पियंस, एट ऑफ पेंटिकल्स आपको आगे लेके जाएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने ऊपर फोकस करने की, अपने लाइफ को आगे ले जाने की।
फिलहाल इस चीज से फोकस हटाइए क्योंकि ये चीजें अपने आप सॉल्व होंगी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जस्टिस का कार्ड अपने आप सारी चीजों पर जस्टिस करेगा और चीजें आपके सामने आती जाएंगी एक के बाद एक। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। हिलेरियम, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीव टू रिचार्ज एंड हील योर लाइफ एंड सपोर्ट अदर्स। अगर आपको कोई सिचुएशन नेगेटिव फील करवा रही है या आपको टायर्ड फील करवा रही है तो उस सिचुएशन में से बाहर आइए, पीछे हटिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ओके। और आपकी ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये आपके अलावा दूसरों के भी काम आएगी। तो यहां पर नेगेटिव बनकर मत रहिए, बाकी सारी चीजें आपके फेवर में ही होंगी। अपनी सेंसिटिविटी, अपने आप को सबसे पहले ऑनर कीजिए। तो ये है रीडिंग दिसंबर के थर्ड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।